मिस्टर वोरा, जिस तरह आप कानून के साथ जुड़े हैं उसी तरह हमारे भाई का नाम हमारे साथ जुड़ा है, और हम अपने नाम, शोहरत और इज्जत पर कोई भी दाग लिखना पसंद नहीं करेंगे। और फिर आप तो पिछले कई सालों से हमारे वो वकील रहे हैं जिन्होंने हमें कभी हार या मायूसी देखने नहीं दी। मगर मैं मजबूर हूँ सर। हर मजबूरी का इलाज पैसा है, पैसा, रुपया, दौलत। नो सर, डीसीपी खन्ना ने आपके भाई विक्की और शाकाल को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है, इसलिए उनकी जमानत हो ही नहीं सकती। अगर कोई तो रास्ता होगा। जी देखिए एडवोकेट वोरा, मेरे भाई का जेल से छूटना इतना ही जरूरी है जितना आपकी सांसें लेना। तो फिर आपको ज्योति ठाकुर से मिलना पड़ेगा। ये कौन है? ये वही है जिसने नॉन अवेलेबल वारंट तैयार करवाए हैं। क्या नाम बताया था? एडवोकेट ज्योति ठाकुर। एडवोकेट ज्योति ठाकुर, आप अच्छी तरह जानते हैं मंत्री जी, शाकाल इस इलाके का सबसे बदमाश आदमी है। न जाने कितनी मासूम जिंदगियों से खेला है उसने। आप भी अच्छी तरह जानती हैं वकील साहिबा कि शाकाल हमारा आदमी है। 50,000 वोट उसकी जेब में हैं, पर शायद आप ये नहीं जानती कि विक्की हमारा अपना भाई है, हमारा अपना खून है। अरे लानत है हम पर कि हमारे इलाके में हमारे मिनिस्टर रहते हुए हमारे भाई को कुछ हो जाए। देखिए मंत्री जी, अपराधी अपराधी ही है, चाहे वो आपका भाई हो या मेरा, और मेरा फर्ज है अपराधी को सजा दिलाना। फर्ज? ये फर्ज ईमान वकील साहिबा सिर्फ दौलत होती है जो मैं इतनी साथ लेकर आया हूँ कि जो आप पूरी जिंदगी नहीं कमा सकेंगी। दिखाओ भाई ये तुझ भेंट। तुम मुझे रिश्वत देने आए हो? जी हाँ, यही समझ लीजिए। देखिए वकील साहिबा, अव्वल तो आप ये केस लड़ेंगी नहीं, और अगर लड़ेंगी तो जीतेंगी नहीं। अब आप ही सोच लीजिए कि आपका भला किसमें है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जी नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि मैं इस इलाके का बहुत पावरफुल मिनिस्टर हूँ और आप शायद मेरी पावर से वाकिफ नहीं हैं। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ और तुम भी मुझे अच्छी तरह जान गए होगे। रिश्वत के इन नोटों से तुम भोली भाली जनता के वोट खरीद सकते हो, मगर सच्चाई को नहीं और एडवोकेट ज्योति को नहीं। एडवोकेट ज्योति, तुम मेरी ताकत को ललकार रही हो। ये ऊंची आवाज, ये धमकियां अपने पास संभाल कर रखो प्रजापति, अपने दफ्तर में किसी चपरासी को देने में काम आएंगी, समझे? इस इनकार का अंजाम बहुत भयंकर होगा तुम्हारे लिए एडवोकेट ज्योति। हक और इंसाफ को पाने के लिए दुनिया अगर अंजाम से डर जाती तो इस धरती पर पाप ही पाप होता। मगर याद रखो प्रजापति, जब जब इस धरती पर पाप बढ़ते हैं तब तब पापियों का सर्वनाश करने कोई ना कोई ज्योति जरूर पैदा होती है। ये लेक्चर देना तुम्हारा काम नहीं, हमारा काम है। और सुनो, अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारा जीना दुश्वार कर दूंगा। इससे पहले मैं पुलिस को फोन करूं, आप यहां से चले जाइए। एडवोकेट ज्योति, बहुत जल्द तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा होने वाला है।